he would end up resisting his toss. Good afternoon. Once again, I must present to be among you, Rajasam. First of all, I should start with a share. मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है, मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। कॉम्पो से कुछ नहीं होता, कॉस्पो से वहाँ होती है। टू स्टार्टिंग आई लाइक टू वन थिंग, इंग्लिश इज नॉट एवरीथिंग, इट्स जस्ट अ लैंग्वेज, इट्स जस्ट अ लैंग्वेज, इट्स नॉट एवरीथिंग। इन अबाउट स्पीकिंग जस्ट आई लाइक टू से अबाउट माई सेल्फ, व्हेन आई स्टार्ट स्पीकिंग आई कैन नॉट स्पीक इवन अ सिंगल सेंटेंस, व्हेन आई स्टार्ट स्पीकिंग, व्हेन आई स्पीक विद माई ग्रैंडपा, द फर्स्ट टीचर ऑफ माई इंग्लिश इज माई ग्रैंडपा। Then you when I start speaking English, I miss your sentence. When I speak continuous tense, for example, I am going. This is correct. But I said, he was, I is going. It was really incorrect. And I said, I told you when I came here after two weeks, I told you. Anyway. Where there is a way, there is a way. I would like to say something in Urdu because what I am going to say, I think it's understand. It's compulsory. एक बार स्वामी विवेकानंद रामकृष्ण जी के साथ जा रहे थे। रामकृष्ण जी उनके गुरु हैं, तो जा रहे थे रास्ते में, उन्होंने एक बंदे को देखा, एक मूर्ति बना था। तो रामकृष्ण जी ने पूछा, यार तू मूर्ति बना तो उसको कर क्या रहा है? उसने कहा कि मैं एक राजा की मूर्ति बना रहा हूँ। उसने कहा, अच्छा तुम्हारे पास तो तस्वीर कैसे बना रहा था? हाउ यू डू इट? उसने कहा कि उनकी तस्वीर जो है मेरे मन में। अच्छा, तो धीरे धीरे वो बना लिया, बहुत अच्छी तस्वीर बनी, बहुत अच्छी मूर्ति बना लिया। उसने कहा तो जो स्वामी विवेकानंद थे, उन्हें बहुत सारे सवाल के जवाब मिले। उन्होंने कहा अगर हम जो शख्स अगर कोई कुछ करना चाहता है उसी क्लैरिटी तस्वीर उसके माइंड में है तो आज ये कर लो, पा ले, आज नहीं तो कर लो, पा ले, कैन अचीव टुडे और इन कमिंग डे इन फ्यूचर यू कैन अचीव। सही बात है। एक बार उसे इंग्लिश की तरीके ऐसा इंग्लिश बोलेंगे तो बहुत सारे लोग आपको कहेंगे कि ये गलत बोले, गलत बोल रहा है, क्रिटिसाइज करेंगे। इसे मैं कारण सुनना चाहता हूँ। एक शेर नाम का शेर था, वो जवानी था, उसे जल्दी दहन है, उसने शिकारी का शुरू किया था। वो जब भी शिकार करता हो रहा टाइम लग हो जाता तो कुछ लकड़ भागे थे तो खुद हंसते थे, उसे खिल उड़ाया गया तो उसे परेशान हो जाता था, तो दहाड़ता था उनका, तो उन्हें क्या फर्क पड़ रहा था, बल्कि उनका जोश मिलता उनको खिलवाते थे, तो उसे बहुत डिमोटिवेट हो गया। तो बोलता था तो उसके जो दोस्त थे जैसे ग्रुप के जो शेर थे, बोलते थे यार तुम उसे जाने देना, तो बोलते कैसे जाने दो यार, जब भी मैं शिकार करने के लिए जाता हूँ इनकी आवाज़ें मेरे जहन पर घूमती रहती है, कैसे? तो आखिर उसने फैसला कर लिया कि उसने शिकार करना ही छोड़ दिया। ये खबर उसकी माँ को मिली, उसकी माँ उस ग्रुप में सबसे बड़ी शिकारी थी। तो रात को बोले, बोला देखो शेरा, जिस दौर से तुम गुजर रहे हो इस दौर से हम भी गुजरे थे, लड़ पा के हम पे भी ऐसा करते थे, तो हमने इससे हम ये सीख मिलता है, सीख मानेगा कि जो वो बोलते हैं कि हम नहीं कर पाएंगे, क्या अगर तुम मानेंगे हम नहीं कर पाएंगे, तो ये सोचते कि हम नहीं कर पाएंगे। फिर उन्होंने कहा कि तो जो उन्होंने आगे जो कहा कि उनको जो हारना है, अगर हम छोड़ देंगे तो जीत हो जाएगी, तो फिर उनमें हमें क्या फर्क रह जाएगा, फिर वो अपनी माँ के पास उठता है, शिकार करना शुरू करता है और बहुत बड़ा शिकारी बनता है और वो जंगल का राजा बनता है। तो फिर एक बार होता ही है जो लकड़ बांधते उस पर हंसा कर देते हैं, उन्हीं में से को पकड़ लेता है, ये कौन गौरव दे उनमें से को पकड़ लेता है और बोलता है क्योंकि छोड़ो लकड़ बांधा बोलते हैं छोड़ो उसको जाए तो वो भी मिले भी गो, तो बोलता है चिकमे तुम्हें आई एम नॉट किलिंग आई विल लेट यू गो, मैं तुम्हें जाने दूंगा, मैं आऊँगा नहीं, बस जो मैं क्रिटिसाइज करते थे मुझे मैं उनके लिए नसीहत बात करना चाहता हूँ, जाकर उसे कह दें क्या जो मुझे खा करते थे कि मैं नहीं कर पाऊंगा, देखो आज मैं उसी राजा का उसी जंगल का राजा हूँ, मैं तुम्हारा राजा हूँ। तो ये कहने का ही मतलब है कि इफ यू सी स्पीकिंग टॉक्स
English, and if you go by any terms of your life, you will have to be face this kind of problems. Such people say that you cannot, you can, it means, and I say that if somebody is saying to you that you cannot, it means you can definitely do it. आप कर सकते हैं, वही बंदा उसी को बोलता है कि यू कैन नॉट, आप नहीं कर सकते, उसी को बोलता है जिसको डर है कि कर सकता है। ऐसे बहुत सारी स्टोरियाँ बता रहे हैं, बहुत सारी स्टोरियाँ और जब एक और चीज़ से बोलते हैं कि हम लोग में बहुत डर लगता है, ये बोलने से डर का मतलब होता है इसका पॉजिटिव माइंड से डर बोलते डर, इट्स ओके टू बी स्केयर्ड, इट्स ओके टू बी स्केयर्ड, बीइंग स्केयर्ड मीन्स यू आर अबाउट टू डू समथिंग ब्रेव, इसका मतलब ये होता है कि आप कुछ बहुत बड़ा बहुत बहादुर वाला काम करने जा रहे हो, नहीं मतलब होता है। इसे कभी बोलने आप जहाँ इंग्लिश में आइए, आप इतनी इंग्लिश सीख चुके हैं कि यू कैन स्पीक इन फ्रंट ऑफ एनीबॉडी एंड यू डोंट नीड टू शाय, और व्हेन यू स्टार्ट स्पीकिंग इन फ्रंट ऑफ एनीबॉडी यू डोंट नीड टू बी वरी दैट अरे ये तो सिर्फ बहुत इंग्लिश आती है, पता नहीं बहुत स्मार्ट इंग्लिश बोलता है, पता नहीं कि अगर मैं जाऊँगा तो मैं गलती कर दूंगा, अरे भाई गलती कर नहीं करता है, मैंने सीधू कहा था गलती कौन करना सीखता है, गलती कौन करता है, जो कोशिश करता है, जो कोशिश करता है तभी नहीं सीखता है, सीखता ही सीख A drop of water and a drop of tears dropped on his face. He looked at the sun and the sky. He saw that a crow is crying, weeping. I think if I could, it would be better if I speak in Urdu. उसने देखा साधु जा रहा था तो देखा कि कौवा जो है रो रहा है, उसके गाल पे आंसू के बूंद का पत, उसने कहा कि रो रहा है, तेरी परेशानी है, क्या प्रॉब्लम है तेरे, क्यों रो रहा है, व्हाट काइंड ऑफ प्रॉब्लम यू हैव, व्हाई आर यू वीपिंग। उसने कहा कि बिना रोए की जिंदगी है, मुझे काला बनाया, लोग मुझे धिकारते हैं जहाँ जाता हूँ, लोग मुझे भगाते हैं, काव काव करता हूँ, मुझे श्रद्धांजलि पे तो मुझे बुलाते हैं, इस्तेमाल करते हैं, कोई इज्जत ही नहीं है। तो साधु ने कहा अच्छा ठीक है, तो इसकी शिकायत है, और तुझे दोबारा कुछ बनने का मौका मिले तो क्या बोलूँगा। उसने कहा कि मैं हंस बनूँगा, अच्छा ठीक है बना दूंगा, लेकिन एक शर्त है, क्या, तो अपने हंस से जाके ले गया तब मैं क्यों बनाऊँगा। वो जाता है, कहता है हंस तो कहते हैं बहुत खुश हो गया, बहुत खुशी हो गया, बट योर लाइफ इज वेरी हैप्पी, यू आर वेरी हैप्पी, नॉट एट ऑल। किसने कहा था उससे, वो कह रहा है तुम्हारी इतनी मतलब कलर तुम्हारी बिल्कुल, तुम्हारे कलर सफ़ेद है, पानी में इतनी उम्र पैदल पैदल मारते हो, आगे बढ़ जाते हो, पता नहीं चलता है क्या चल रहे हो, सब तुम्हारी फोटो लेते हैं, तुम्हें मोबाइल में कैश करते हैं। उसने कहा तुमसे किसने कहा, मैं खुश नहीं हूँ, नॉट एट ऑल, आई एम नॉट हैप्पी, मैं खुशी नहीं हूँ। अच्छा तुम भी खुश नहीं, बोलो तेरे क्या प्रॉब्लम है। तो हंस बोलता है कि लोग फोटो लेने आते हैं, मतलब पता ही चलता है फोटो नहीं ले रहे हैं, पानी में फोटो ले रहे हैं, कलर रंगे में जा रहा हूँ सफ़ेद सफ़ेद। उसने कहा अच्छा तेरी प्रॉब्लम है, अच्छा अगर तू क्या बनना चाहता है। उसने कहा कि मैं पैरट बनना चाहता हूँ। अच्छा तो दोनों आए साधु के पास, उसने कहा मैं पैरट बनना चाहता हूँ। अच्छा ठीक है, वही टेंशन रहेगी, पहले तुम दोनों जाओ और पैरट से मिल जाओ। दोनों गए, एक जंगल था, जंगल दर था, बहुत सारे पैरट रहा करते थे। तो चार राउंड लगाने के बाद उन्हें एक पैरट मिला, उनसे मिले, फिर उन्होंने कहा यह तो बहुत खुश हो गया यार, तेरा कलर कितना अच्छा, ग्रीन ग्रीन, तेरे चोंच रेड रेड है ना, सब तुझे पालते हैं, मिट्टू बोलते हैं, तुम पिस्ता बादाम सब खिलाते हैं, तुम्हें झूठा नहीं खिलाते हैं, झूठा खाना पड़ता है, तो किसने कहा तुम्हें, मैं भी उसने कहा मैं खुश हूँ। अरे तुम यहाँ चार चक्कर लगा दिए और तुम्हें तब मैं आँख दिखा, इस घर में मिल गया तो मैं कैसे खुश रहूँगा, तुम लोग मुझे पहचान नहीं पाए, तेरी प्रॉब्लम भैया। ठीक है, तो फिर तीनों साधु के पास है, साधु के पास है, तो उसने कहा तो बस कहा कि अगर तुझे मौका मिले दोबारा बने क्या बोलोगे। उसने कहा पीकॉक मीन्स मॉक नेशनल बर्ड। अच्छा ठीक है, फिर वही कंडीशन लगा दें, मैं फिर वही कंडीशन है, तुम चारों जाओ और पीकॉक्स मिल गया, लोग गए तो मिले तो खा यार पीकॉक, तो बहुत खुश है यार, तो नेचुरल बर्ड है, तो क्लास में तुझे क्लास में पढ़ाया जाता है, तो कितना खुश नसीब है। तो किसने कहा,
मैं भी खुश नहीं हूँ। अच्छा तुम भी खुश नहीं, तुम्हारी क्या प्रॉब्लम है? अरे सका देखो सुनो, आवाज़ आ रही है क्या? आवाज़ आ रही है गौर सुनो, ठीक है आवाज़ आ रही है। किस लोगों का, किसकी आवाज़ आ रही है? शिकारी की आवाज़ आ रही है। कल इसे शिकारी हूँ मेरी माँ को, इसे शिकारी कर रहा था, मेरी माँ को पंखियों भी लाड़ लिया है ना, और उसे जान से मार दिया गया और उनके परों को नोच लिया गया, और कल उनके दुष्कृतियों की घरों में उन्हें रखा जाएगा, लोग इन्हें बेचेंगे बाजारों में। मैं कहाँ खुश हूँ? फिर तो हुआ कहा तो फिर तुम्हारे यहाँ सबसे ज़्यादा खुश कौन है? तो मौत का जवाब सुनने कहा तू, तो वह कहा तू कैसे? उसने कहा गौर सुन, जब उसे जवाब क्या दिया था, मौत का जवाब दिया कि सबसे ज़्यादा खुश तू है। तो मैंने कहा सर, कौवे ने पूछा कैसे, हाउ आई द मोस्ट हैप्पी? अच्छा तूने कभी तुमने चिकन बिरयानी सुनी? बोलता है। तुमने मटर बिरयानी, मटर बिरयानी सुनी? बोलता है। तुमने कभी कौवा बिरयानी सुनी? बोलता है नहीं। तुझे किसी तुझे ज़्यादा खतरा? बोलता है नहीं। तुझे किसी को ज़्यादा खतरा? नहीं। तुम्हें कोई जान से मारेगा? नहीं। तुम्हें किसी किसी से तकलीफ? नहीं। तुमसे किसी को तकलीफ? नहीं। तू सारा मस्त है ना, हम लोग कैसे मारते हैं? तुम्हें घंटे का पता है कि हमारा अगला घंटा क्या है, मरेंगे जिएंगे, ये जवाब। इसलिए माय डियर फ्रेंड्स, इन द एंड आई विल से दैट वी आर विनिंग, दैट वी आर यूनिक, हम लोग यूनिक है। सो वी शुड, वी मस्ट नॉट कंपेयर टू अदर्स आवर सेल्फ। जहाँ पर हम इसे कंपेयर करना चाहते हो, करना शुरू करते हैं, वहीं पे हमारी पर्सनालिटी, हमारी एबिलिटी, हमारी जो कैपेसिटी है वहीं पे ड्रॉप हो जाती है। इसीलिए इन देश एंड आई वुड लाइक टू थैंक दैट आई एम वंस अगेन हियर एंड आई गुड आई मेड चांस टू से समथिंग एंड आई होप व्हाट आई सेड यू, आई थिंक यू हैव अंडरस्टूड एंड दैट्स ऑल अबाउट व्हाट आई सेड। जस्ट ट्राई टू रिमेंबर एंड ट्राई टू थिंक, नॉट ट्राई टू, बस वंस यू थिंक व्हाट आई सेड, it's not just saying that that from 1 year you have listened and forward. So that's all about, thank you.